इंडिया को बुंदू बना रखा है किसान का मारा बुंदू को नीतने सरकार नु सोच दियो कल सब जगह जाम ला रखा उरे हाँ लगा रखा है तो ये कब पे कभी लोग है मारे 70-75 आदमी और पकड़ रखे हैं वो बबली तो हमने माँ बेबे की गाल कट है हमें बोलते के तुझसे सरकार है क्या को बुंदू बना रखा है किसान का मारा बुंदू को नीतने सरकार नु सोच दियो कल सब जगह जाम ला रखा उरे हाँ लगा रखा है तो ये कब पे लाए रखोगी उरे बीच में चाहे छा भी ने ना छोड़ियो छा भी ने भी कौन खोल दे आज जमाए कौन खोल दे ये लोग तो नुका थे अब टपण जाएंगे एक आदमी टपण जाएंगे एक सिर्फ एम्बुलेंस तो नहीं आ रहा बीमार था आदमी को अड़क टपण हूँ अब भी बता रहा हूँ जो 16 तारीख ने पुलिस वाले ने परसों का इसका गोला मारा था और पैर टूटा हुआ है अभी प्लास्टर बंधा हुआ है ये पैर पे वहाणा के अंदर जेजेपी विधायक वीरेंद्र बबली का विरोध करने गए किसानों को वहां पर रद्द करवा गिरफ्तार कर लिया जिसके एवज में टोल प्लाजा पर कल शाम से ही किसानों ने जाम लगा दिया और उनका कहना था कि जब तक यहाँ के किसानों को नहीं छोड़ा गया तब तक जाम की पोजीशन लगी रहेगी और आज भी जाम लगा रहा और कल शाम को भी जाम रहा और महिलाओं ने इस तपतपाती हुई धूप के अंदर वाहनों को रोका और कहा कि हम नहीं जाने देंगे किसी भी वाहन को नहीं जाने देंगे और वो वाहन चालकों से भिड़ गई और हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर उनको आदेश करने लगी कि वापस जाएं। वहीं किसानों ने कहा कि भी जब तक 27 के 27 किसान लौटकर टोल प्लाजा पर अपने हाथ से बैरिकेड नहीं हटाएंगे तब तक ये जाम नहीं खुलेगा। कल शाम से जाम लगे हुए इस टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और पुलिस भी बेबस नज़र आई। दोनों तरफ से जामों की से वाहनों की कतारें नजर आ रही थी। देखिए यहाँ पुलिस की भी गाड़ी आई है, यहाँ देखिए आपस में धक्का मुक्की हो रही है और यहाँ बैरिकेड हटा दिया गया और कभी लगा देते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर और नाजायजों मांग को करते जब तक हमारी जायज नामा ऐसे ही रहेगा। हमारे समस्या देखता पानी की भी समस्या, बिजली की समस्या है, हर प्रकार की समस्या बनी हुई है। अगर जो इस प्रकार रहेगी तो क्या जमींदार है, ये अन्नदाता कहलाता है और इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर ऐसे दुर्व्यवहार होगा तो क्या होगा, देश बेड़ा पार होगा? नहीं, देश उन्नति की तरफ नहीं अवंति की तरफ जाएगा। क्या बात है, तो बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते, नाम बताओ अपना। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी ने बताया कि देश अवनति की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है। खूब कराई थी मोदी ने, उन्नती में बाकी रखी जाए सब कुछ गांठ बांध दी देश की। अरे कुलदीप नु बताए थे चलते राड़ी में आई हूँ, ये तारा जनता की है। हमारा जनता यो सर जब तक तीनों मांग वापिस नहीं होगी तो ऐसे ही ना, यो तो बहुत पुराना है। आज यो जाम ला रखा है, यो क्या खतर ला रखा है, यो जाम मेरा है जी। आज देना मेरा, आज देना कौन मेरा, तू ये जो हमें टवाणा से है जी, बबली विधायक देवेंद्र बबली, देवेंद्र बबली है जी, उस दिन वहाँ गए थे, वहाँ लोग वहाँ जाने के कारण उन्होंने दुर्व्यवहार किया, भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या और या इस पर्पज पर ला रहे जी। हमारे किसान गिरफ्तार के लिए वहाँ नहर के पास कल अच्छा जी। कल शाम को अच्छा उनको गिरफ्तार ले गए, वहाँ ले गए फतेहबाद, अच्छा रात को वहीं रखे थे, अब भी वहीं है, इसलिए उसके विरोध में हमने शाम ने बंद कराया था, चाहे हमें हफ्ता लगो चाहे 4 दिन लगो। किसानों ने जाम लगा दिया है जो कई दिनों से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर उनका कहना है, एक मिनट, उनका कहना है कि जब तक टुहाना के अंदर 27-28 यहाँ के किसान जो गिरफ्तार किए गए उनको नहीं छोड़ा गया और आकर वही यहाँ से जाम खोलेंगे तब तक हमारा जाम रहेगा और टोटल यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर कीजिएगा। हम अपडेट दे रहे हैं कि रामायण टोल प्लाजा अब टाइम हो गया है 11 बजे, कल 6 बजे से 11 बजे तक अभी बिल्कुल जाम पड़ा है।